हमको तो गिनती भी नहीं रहती सर कितना बेच रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं, और हमको ग्राहक भी पूछ जाते हैं किसका आइटम ये किसका आइटम वो, तो समझ लो सर हम अच्छा माल खिलाते हैं और लोग ज़्यादा आते हैं। ये तो देख के ही भूख लग रही है। ये देख सकते हो कि कितना भरा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ गार्लिक ब्रेड, एज यू कैन सी ये मेरे पास है। कितनी ज़्यादा टॉपिंग्स है और उसी के साथ चीज़ ने कैसे उसको पकड़ा हुआ है पूरा और कहीं पर भी नहीं जा रहा। मस्ट विजिट प्लेस है ये। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि मलिक, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे आप पीछे देख रहे हो पिज्ज़ा प्रिपेयर हो गया है एंड मैं अभी आया हूँ पीतमपुरा में जेड 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 पिज़्ज़ा वालों के पास। और ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ पर और छोटा सा आउटलेट है एज यू कैन सी राइट ओवर हेयर। तो अभी आपको दिखाऊंगा हर एक तरीके का पिज़्ज़ा विद दैट गार्लिक ब्रेड भी और उसी के साथ उनकी टॉपिंग, क्योंकि जो ये टॉपिंग्स डालते हैं उसी की वजह से ये फेमस है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू फूड ब्लॉग्स। और भी मज़ा आने वाला है, आप सभी को और भी एंटरटेन करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। As you can see, और ये कितने ज़्यादा प्रिपेयर हो रही है एक ही बारी में। ये आ गई शिमला मिर्च, अब ये देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी में डाल रहे हैं और कितना अच्छा प्रेजेंटेबल वे में डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी ब्रेड है इनकी, बहुत फाइन ब्रेड है। ये आ गया टमाटर, स्वीट कॉर्न, तो ये आ गया है मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज रहेगा ये भैया जो डाल रहे हैं। गार्लिक ब्रेड अगर आपको बाद में भेज दो भैया, उधर ये पैकेट सेकंड है। कितना अच्छी तरीके से पूरा स्प्रेड कर रहे हैं। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्वांटिटी है चीज़ का, एज यू कैन सी। ये सब देख के ही भूख लग रही है। क्या बात है, क्या बात है, पूरा टॉपिंग जो है वो छुप गया है चीज़ की वजह से। चीज़ की ये तो एक तरीके से बेडशीट भिज गई है। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। लुक एट दिस, की दिख ही नहीं रहा है नीचे तो कुछ। ये देख सकते हो कि कितना भरा हुआ है यहाँ पे। ये तुम इधर आओ, एग्जैक्टली गोल्डन मीडियम लगाओ। कितना ज्यादा भरा हुआ है, मतलब देख के नहीं नहीं। आप मेन्यू देख लो, ऑनलाइन चेक कर लो, ट्रिपल जेड पिज्जा सर्च मार लो मेन्यू का, उसमें सब देख लो। ट्रिपल जेड पिज्जा सर्च मार लो मेन्यू के लिए। अरे ऑलिव देन व्हाइट मेयोनीज, बेटा लगाना अंदर लगा। हम उस मीडियम किसका भैया का लगवा रखा है तुमने? ये आगे कौन बनी आपका मीडियम स्मॉल है? स्मॉल भैया, स्मॉल बैग है। हां वो स्मॉल लगा हुआ है अंदर, मीडियम मीडियम लगा हुआ है, वो तो मीडियम हमारा ही है। ये चीज मोज़रेला चीज है ये, नाइस। पैसे किसको देने हैं? पूरी ग्रिल्ड में भी है एंड यू कैन सी ये फार्म आउट आर्क दे रवि भाई, ये लगा दे गार्लिक ब्रेड लगा, ये अब लगेगी। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ गार्लिक ब्रेड, एज यू कैन सी ये मेरे पास है और ये गई मेरे मुंह में। आपको आवाज आ गई होगी कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी है और क्रंची है, और उसी के साथ साथ वेल कुक्ड है, और उसी के साथ ऑलिव जो है पूरी तरीके से कुक्ड हुए हैं, और उसी के साथ मजा आ रहा है खाने में इसको।
एक और बारी आई होगी, दिखाता हूँ आपको। मजा आ गया, जरूर आओ यहाँ पे। और ये इसका जो प्राइस है, 6 पीसेस मिलेंगे सेम ऐसे ही आपको, एंड उसका प्राइस रहेगा 200 रुपीज का। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। आओ यहाँ पर और एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ, अगर आप दिल्ली में रहते हो। और कभी भी दुकान को देखकर ये मत सोचना कि अच्छा नहीं होगा, बेकार होगा। टेस्ट पहले चेक करो, देन आफ्टर दैट डिसाइड करो कि दुकान अच्छी है या नहीं है। तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर जरूर आना है आपको। ये भैया जो है वो इस दुकान के ओनर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे कब से आपने स्टार्ट किया था यहाँ पर? सर हमको 7 साल हो गए सर। 7 साल, हमारे पापा को 10 साल हो चुके सर। इट मींस इनके फादर ने स्टार्ट किया था और अब ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मोर देन मुझे लगता है इनके पास कम से कम 10 से 15 वैरायटी तो होंगी पिज्जा की, और उसी के साथ साथ गार्लिक ब्रेड तो है जो वो ऑसम बनाते ही हैं। तो भैया आप बताओ एग्जैक्टली कैसा लगा है अभी तक आपको सर्व करने में लोगों को, और कितनी क्वांटिटी आप सेल कर देते हो? हमको तो गिनती भी नहीं रहती सर, कितना बेच रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं, और हमको ग्राहक भी पूछ जाते हैं किसका आइटम ये, किसका आइटम वो। तो समझ लो सर, हम अच्छा माल खिलाते हैं और लोग ज़्यादा आते हैं। ये आप देख सकते हो, मैं आपको आज भी ये चीज़ बोलूँगा, कभी भी वो मत देखो कि एग्जैक्टली कि एनवायरनमेंट कैसा है, सिर्फ टेस्ट देखो आप, इंसान टेस्ट क्या दे रहा है। एंड उसी के साथ साथ पूरी इनकी सफाई इन्होंने रखी हुई है दुकान के अंदर भी। तो प्लीज़ यहाँ पर आप सभी को आना है, इन भैया मिलेंगे आपको और डिस्काउंट भी देंगे अगर हो पाया पॉसिबल। आप जितने लोग हैं ज़रूर आइए, अगर दिल्ली में रहते दिल्ली से आइए। अगर दिल्ली में कभी आते हो और आपको लगता है कि हाँ पिज्ज़ा खाना है, इन दैट केस यू हैव टू कम इन पीतमपुरा AP मार्केट, वहीं पर आपको मिलेंगे। और पीछे देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग अभी भी खा रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। तो ये देख सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर इस समय पर, और ये तो सिर्फ लोग यहाँ पर हैं, और उसी के साथ साथ जोमेटो से और स्विगी से भी ऑर्डर आते हैं इनको। एंड ये जो मार्केट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये KP मार्केट के पास है। AP मार्केट आप देख सकते हो ये पीछे ही है, और इसी के सामने यहाँ पर बैंक भी है और ड्राई क्लीनर की शॉप भी है वहाँ पर आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा भीड़ है इस भाई के पास, मज़ा आ गया।